राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचे पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम किसे चिंता है सार्वजनिक संपत्ति की। श्री प्रसाद एक मेहनती अध्यापक थे। उन्होंने इतिहास में प्रथम श्रेणी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और अध्यापन के क्षेत्र में आ गए, क्योंकि उनका ये विचार था कि ये एक महान कार्यक्षेत्र है। यद्यपि उन्हें अन्य कई नौकरियां मिली, परंतु उन्होंने शिक्षण का कार्य ही चुना, वो भी विश्वविद्यालय की अपेक्षा एक स्कूल में। उनके दिमाग में एक बात बहुत साफ थी कि वे तरुणों के मन को समझना चाहते थे और सीखने की इस प्रक्रिया में उनकी सहायता करना चाहते थे, उनसे भी बहुत कुछ सीखना चाहते थे। उनका विश्वास था कि अध्यापकों को जीवन भर सीखते रहना चाहिए और उन्हें सही शिक्षा बच्चों से मिलती है। उनके विचार में सही शिक्षा का अर्थ सिर्फ किताबों से जानकारी प्राप्त कर परीक्षाएं उत्तीर्ण करना नहीं था। सही शिक्षा का अर्थ था अपनी चारों तरफ के जीवन के प्रति सजगता और अपनी आंख और कान का सही उपयोग। इसका अर्थ था अपने चारों ओर की ध्वनियों को ध्यान से सुनना, परिवार के सदस्यों, स्कूल तथा समाज के प्रति जागरूक होना और उन्हें उचित सम्मान देना। इसका अर्थ था कि इस पृथ्वी के प्रति सजग होना, जहां हम रहते हैं और प्रकृति से संबंधित होने के कारण वृक्षों, पुष्पों, पशु पक्षियों, आकाश और तारों से मधुर संबंध स्थापित करना। शिक्षा के संबंध में उनकी बड़ी व्यापक दृष्टि थी। बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे। उनमें दूसरों को समझने की शक्ति थी और साथ ही वो अत्यंत बुद्धिमान थे। उनका मस्तिष्क उत्कृष्ट कोटि का था। पिछले एक सप्ताह से उनके शहर में जो कुछ भी हो रहा था, उसे देखकर उनका दिल दुख तथा क्रोध से भरा हुआ था। सूचना मिली थी कि स्थानीय महाविद्यालय के छात्रों के एक समूह ने एक बस जला दी। जिस बस में विद्यार्थी यात्रा कर रहे थे, उस बस के कंडक्टर तथा छात्रों में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई और अंत में छात्रों ने बस ही जला दी। ये एक सरकारी बस थी, जिसका अर्थ हुआ कि वो जनता की संपत्ति थी। उन्होंने अन्य स्थानों की सार्वजनिक संपत्ति के विषय में सोचा और पाया कि जहां एक ओर लोग अपने तथा अपने परिवार की वस्तुओं के प्रति बड़ी सावधानी बरतते हैं, वहीं सार्वजनिक संपत्ति जैसे ट्राम, डाकघर, बैंक, रेलवे स्टेशन, सड़क, फुटपाथ, दफ्तर, उद्यान तथा बगीचों के प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देते। उन्होंने अपनी नवीं कक्षा के विद्यार्थियों से इस ओर ध्यान देने को कहा और स्कूल की शिक्षा समाप्त करने से पहले ये सीखने को कहा कि इस प्रकार की परिस्थितियों से
कैसे निपटा जा सकता है। उन्होंने बच्चों से इस विषय पर चर्चा की और उनका ध्यान वास्तविकता की ओर खींचा और अपने मोहल्ले की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी छात्र छोटे छोटे समूहों में हाथ में कॉपियां और कलम लेकर निकल पड़े। वे अपने मोहल्ले के सार्वजनिक स्थानों में गए और इन बातों पर गौर किया कि सार्वजनिक वस्तुएं ठीक हालत में हैं या नहीं। अगर टूटी फूटी हैं तो किस हद तक नष्ट की गई हैं। ये अध्ययन तथ्यों को जमा करने के उद्देश्य से किया गया था और इस दौरान वे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, सरकारी कार्यालय, सड़कों तथा बगीचों आदि स्थानों में गए। वास्तविकता तो ये थी कि बच्चों का बगीचा नाम मात्र को था, क्योंकि ये गंदगी से भरा हुआ था, झूलों पर जंग लगी थी और खेल के सामान टूटे फूटे थे। यहाँ कोई बच्चा नहीं आता था। उन्होंने इन सब कमियों को लिख लिया और कक्षा में लौट आए। इस संबंध में क्या किया जाए, इस पर एक चर्चा हुई। कुछ विद्यार्थियों का विचार था कि वे पैसे जमा करें और स्वयं ही उनकी मरम्मत करें, किंतु फिर उन्हें लगा कि उनका ये कार्य उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोग निरंतर चीजों को नष्ट करते रहेंगे। एक अन्य सुझाव था कि दफ्तरों में कर्मचारियों से मिलें और उन्हें समझाएं, पर शायद दफ्तर के मैनेजर स्कूल के छात्रों की बातों को गंभीरता से न लें। वे विनम्रता पूर्वक ये कह दें कि वे कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं। उन्हें जनता का सहयोग चाहिए था, जो वास्तव में एक कठिन कार्य था। एक अन्य छात्र का सुझाव था कि वे दैनिक अखबार के संपादक को पत्र लिखें, जिसके द्वारा वे अनेक पाठकों का ध्यान आकर्षित कर ये बताएं कि हिंसा और तोड़फोड़ के कारण उनके मोहल्ले का विनाश होता है, और चूंकि सार्वजनिक संपत्ति हम में से प्रत्येक की है, इसलिए हम में से प्रत्येक को इसकी देखभाल करनी चाहिए। सब ने इसका समर्थन किया और उनमें से एक दल इस प्रकार की चिट्ठियों का मसौदा बनाने में व्यस्त हो गया। क्या दूसरे व्यक्तियों के विश्वास और विचारों को बदला जा सकता है और लोगों में सार्वजनिक जागरूकता और उत्तरदायित्व की भावना कैसे उत्पन्न की जा सकती है, एक चर्चा प्रारंभ हुई। यद्यपि कई सुझाव दिए गए, किंतु कक्षा का सर्वमान्य मत ये था कि समाज व्यक्तियों द्वारा निर्मित होता है और इसलिए हर व्यक्ति में सार्वजनिक संपत्ति तथा स्थानों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, तभी उनके मोहल्ले में परिवर्तन आ सकता है। इस बात को उन विद्यार्थियों ने इतनी गहराई से अनुभव किया कि अपने अध्यापक की प्रेरणा से उनमें से हर एक ने स्वयं के प्रति सतर्क रहने का निश्चय किया। वे यही सतर्कता दूसरों में भी देखना चाहते थे। जैसे कि पुरानी कहावत है, घर में चिराग जलाकर मंदिर में जलाते हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने स्कूल के अहाते में पड़े कागज के टुकड़ों को बटोरकर कूड़ेदानों में फेंकना शुरू किया। जितने भी नल टपक रहे थे उनकी मरम्मत की, ताकि पानी बेकार न जाए।
बिजली बचाने के प्रयत्न में कमरे से बाहर जाने के पहले वे पंखे बंद कर देते। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को भी समझाया जो कभी खेल में कुर्सियों तथा मेजों को ब्लेड या चाकू से खोदते रहते। फटे सूचना पटों की मरम्मत की। उसके बाद उन्होंने स्कूल के फाटक के बाहर पड़े कूड़ा करकट को जमा करने आए आदमियों की सहायता के लिए प्रबंध किया। इसके बाद वे स्वयं भी पास के घरों में गए और उन्होंने अपने हाथ से बनाई गई पर्चियां बांटी, जिसमें लोगों से ये आग्रह किया गया था कि वे सार्वजनिक वस्तुओं का ध्यान रखें, सड़कों को साफ रखें, वृक्षों को काटने से रोककर उनकी देखभाल करें आदि। कुछ घरों में उनका स्वागत किया गया तथा उनके कार्य की सराहना की गई। कुछ घरों में लोगों का व्यवहार बड़ा रूखा था और लोग दरवाजा खोलने को भी तैयार न थे। उन्होंने प्रशंसा और कटुता को समान भाव से स्वीकार किया। जी जान से लगे इस प्रयत्न में एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने सीखी वो ये थी कि यदि तुम चाहते हो कि सार्वजनिक संपत्ति का लोग आदर करें, तो सबसे पहले तुम्हें स्वयं उसका आदर करना होगा। क्या तुम इसे शिक्षा का एक हिस्सा समझते हो या तुम इसे समय की बर्बादी मानते हो? कक्षा में इस प्रश्न पर चर्चा करो। अगर तुम्हें ये महत्वपूर्ण लगता है तो क्या तुम इस बात के प्रति सतर्कता जागरूकता बरतोगे कि तुम्हारे स्कूल घर तथा मोहल्ले के चारों ओर क्या हो रहा है? क्या तुम अपने छोटे भाई अथवा बहन की भी इस बात में सहायता करोगे? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वनिंकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।